जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंस। उम्मीद करता हूँ कि जनाब आप सब खैरियत से होंगे। आज का एक डिटेल्ड पॉडकास्ट होगा। मेरे साथ गेस्ट हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि DH एग्जाम में सबसे ज़्यादा लैंड ऑनर भी इनकी ज़मीन ज़्यादा थी और इनकी वजह से DHA डिले भी बहुत हुआ है, तो मैं आपको बुलाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम अदीम जी भाई, वालेकुम कैसे सलाम जी। क्या हाल है ठीक जी भाई ठाक साहब? हैं ठीक सर? ठाक हैं, सब खैरियत है। और कैसा रहा आपका टूर जी बड़ा अच्छा, अमेरिका बड़ा लगा, शुक्र है, का? सब फिट रहे? बेहतरीन जी, बहुत अच्छा। दिल भाई, आपको सुनने में आ रहा है कोई बैलेटिंग वगैरह का, ये बात सच है? जी बिल्कुल, DHA जो है वो बैलेट करने जा रहे हैं, अच्छा ठीक है। और वैसे भी अब मेरा ख्याल है ज़रूरत भी थी बैलेट की, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता ही है जो रेट्स वगैरह की सूरत हाल है वो ज़रा कम थे। तो बिल्कुल मेरा ऐसे ख्याल है, है नया बैलेट आएगा, नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, तो उसे मार्केट में भी बड़ी बेहतरी आएगी। बिल्कुल ऐसे है। तो नेक्स्ट अपकमिंग के अंदर आप समझ रहे हैं कि ये जो नए ब्लॉक्स बैलेट होंगे, ये प्रीवियस जो बैलेटेड ब्लॉक्स हैं उनके रेट्स पे कोई असर डालेंगे? ठीक नहीं, मेरा ख्याल है ये जो बैलेट आ रहे हैं बड़ा लिमिटेड बैलेट है, ठीक है। है इसके अंदर ये नहीं है कि बड़े कोई हज़ारों की तादाद में प्लॉट्स नहीं आएंगे। जो मेरी मतलब की इन्फॉर्मेशन है या जो मुझे पता है कि वो बड़ा लिमिटेड सा होगा और इसका कोई इतना ज़्यादा मार्केट के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि इससे जो है जो मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो अट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल ठीक है, ऐसे कि है। एक नई चीज़ आ रही है, नया प्रोडक्ट आ रहा है। हो सकता है कि इसके अंदर कनाल भी, और जो 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 सुनने में आ रहा है या जो इन्फॉर्मेशन है कि जो नए ब्लॉक्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक अच्छा है। बिल्कुल ऐसे और जो पिछले ब्लॉक्स हैं उसके अंदर लोगों ने जो है ना अब घर बनाना भी स्टार्ट कर दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है लोग अपने नक्शे वगैरह भी जमा करवा रहे हैं। ठीक है, तो और DHA भी जो है बड़ा ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है, हर लिहाज से। मतलब अगर किसी ने नक्शा जमा करवाना है तो उसकी फाइलिंग वगैरह भी बड़ी जल्दी कर रहे हैं, ताकि उनको भी ज़ाहिर है जब DHA की भी ज़रूरत है कि अब यहाँ पर घर बने, आबादी आए, जितनी ज़्यादा आबादी आएगी ज़ाहिर वो इसको प्रोग्रेस करेगी आगे। बिल्कुल ऐसे है, तो अगर ये बैलेट आएगा मेरे ख्याल से हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। जो इस टाइम हालात है वो तो आपके सामने ही है कि मतलब बिल्कुल फाइल के ऐसे रेट है। भी डाउन है, और मेरा तो ख्याल है कि इस टाइम जाहिर है हालात तो ज़रूर डाउन है, ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान में रियल इस्टेट के इसी तरह के हालात हैं, ऐसे है लेकिन बड़ा अच्छा टाइम है कोई भी चीज़ खरीदने का, ठीक है। मतलब कि आपको 5 मरला का रेट पता है, जिसमें 25 पे इस टाइम चल रही है, बिल्कुल ऐसे है, तो इससे सस्ता क्या हो सकता है, ठीक ऐसे है। जिसने है। आज ये लेनी है तो कोई चीज़ बाय करोगे तो कल को वही चीज़ ऊपर जाएगी ना। ऐसे अगर है, आपके पास कोई चीज़ होगी नहीं तो वो ऊपर कैसे जाएगी। रियल एस्टेट तो ऐसे ही है, देखिए 3-4 साल इस तरह के ज़रूर आते हैं कि आपको स्लम्प आता है, ठीक है, बिल्कुल लेकिन उसके बाद बढ़ती भी वही चीज़ है जो आपके पास होती है, ठीक है। तो रियल ऐसे एस्टेट है, का तो मेरी समझ में तो इसी तरह की कैलकुलेशन है। ठीक है। और इसमें मेरा क्वेश्चन है कि 5 मरला के सुनना है कि इन ब्लॉक्स के अंदर प्लॉट्स नहीं है जे में और डी में। देखो ये लगता ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन DHA ने भी ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं किया हुआ इस तरह का। तो बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल ख्याल कबल इस वक्त है इस तरह की कोई भी बात जो है वो मीडिया पे करना कि जी अभी 5 मरला या 10 मरला, वो मेरा DHA अनाउंस करे तो वो बिल्कुल ज़्यादा बेहतर है, सबको पता चल जाएगा कि जी 5 मरला है, 10 मरला है या कनाल है। लेकिन ब्लॉक्स बहुत अच्छे हैं, ठीक बिल्कुल है, ऐसे है, अट्रैक्टिव ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ऐसे है, इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे ख्याल बेस्ट ब्लॉक्स हैं DHA के, ठीक है। उसके बाद तो देखें चीज़ें आगे ही जाएंगी, ठीक है। अभी जो ऐसे ब्लॉक्स हैं है, बिल्कुल पास हैं, CZ3 के करीब हैं, ठीक है, अगर इसके अंदर मतलब कि बैलेट आता है। बिल्कुल और ऐसे है। वो मेरा ख्याल है कि 5 मरला भी आएगा तो ज़रूर हर चीज़ ही आएगी, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को कैटर करना है, हर तरह के लोगों के पास ज़ाहिर फाइल्स हैं पुरानी, तो बिल्कुल वो ऐसे है, सबको मेरा ख्याल है सबका शेयर उसके अंदर ज़रूर होगा। ठीक है। और मेरे सुनने में ये भी को आ रहा था कि विलास भी शायद कोई मजीद बनाने लगे हैं। जी जी बिल्कुल, विलास का तो आप देखें ना कि विलास से अच्छी लोकेशन तो मेरा हाल है किसी चीज़ की भी नहीं है, ऐसे और ही जो विला का रेट है वो तो आउटस्टैंडिंग है। इतने में आप मुझे बताएं, आप भी काम कर रहे हैं बड़ी देर से, कि इस रेट के अंदर विला, मेरा तो ख्याल है किसी गांव में घर भी नहीं मिलता इस रेट के बिल्कुल ऊपर, ऐसे ठीक है, ही, कि वो लगे 5 मरला का विला 1.25 का है तो इतने में कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। और बिल्कुल फिर ऐसे विला भी ही, वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, ठीक है, ऐसे जिसके ही अंदर आपका सारा स्मोक सेंसर्स है, आपकी सिक्योरिटी है, आपके पार्क्स बने जा रहे हैं, लोकेशन GT रोड के करीब सबसे ज़्यादा, ठीक है। और फिर यह कि अब जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये है कि जी बड़ी जल्दी विलास का जो है वो नंबर्स का जो बैलेट है वो होने लगे, ठीक है, ठीक है, कि लोगों ने जिन्होंने खरीदे हुए हैं उनको डिलीवरी है इंशाल्लाह 2 से 3 माह के अंदर अंदर मेरा ख्याल उनकी डिलीवरी हो जाएगी, तो वहाँ पर आबादी आ जाएगी, ठीक है। 400-500 विला है तो वो सारा विला अगर वहाँ पर आबादी आ जाती है, लोग अपने रेंट पर देना शुरू हो जाते हैं, तो DHA आबाद हो जाएगा, वो एक बड़ी अच्छी चीज़। हाँ, और जो आपका क्वेश्चन था मैं उसको भी आंसर कर देता हूँ कि नए विलास का भी जो है ना वो DHA का प्लान है कि जी हम नए विलास भी जो है ना वो लॉन्च करें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मेरे सुनने में ये आ रहा था कि जहाँ पर एग्जेक्टिव ब्लॉक नहीं है जी इस साइड पे कहीं पे वो अब बनाने लगे हैं, ताकि मेन के ऊपर भी लगे कि रहायश आ रही है और ये वो सारा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी अच्छा चीज़ है। ये देखें ये सारी बातें होगा कि अगर DHA ऑफिशियली अनाउंस करे ना तो वो मेरे हाल ज़्यादा बेहतर है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे और है, देखें एग्जेक्टिव ब्लॉक तो खुद एक बड़ा अच्छा ब्लॉक है,
ठीक है, सबसे आउटस्टैंडिंग उसकी लोकेशन है, फर्स्ट राउंड अबाउट है, सामने उसके CZ3 है। CZ3 आपको पता है इस टाइम हॉट चल रहा है, मतलब कि कमर्शियल्स में भी वहाँ पे आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, आप अगर ढूंढने निकलें कि हमें CZ3 का कोई भी कमर्शियल मिले तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है उसके अंदर कोई भी अवेलेबिलिटी जो है ना वो आपको मिले। और एग्जेक्टिव का फिर आपको पता है कि एग्जेक्टिव सारी वो बाउंड्री वाली कम्युनिटी है और सारे बड़े घर हैं, उसके अंदर आपको रेट्स भी पता है कि उनका ज़्यादा है। और हमेशा से जब से एग्जेक्टिव लॉन्च हुआ उसके ऊपर ऑन चल रहा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्जेक्टिव कौन खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक सजेशन एक दोस्त था, उसने मुझे दे रहा था, कहता है यार आप लोगों की सुनी जाती है, अगर DHA में तो इनको कहें कि कोई इस किस्म की मार्केट बनाई जाए जिस तरह DHA आया है, जी कि मतलब इस किस्म का कोई सेटलमेंट की जाए कि पूरा गुजरा वाला रात को आके वहाँ पर बैठना स्टार्ट करें। जी जी देखिए, DHA के प्लान में बिल्कुल वो है, ठीक है, लेकिन ठीक देखिए है, हमारा DHA भी बेबी DHA है। और आप देखें कि जब से ब्रिगेडियर असलम नियाजी आए हैं, जितनी डेवलपमेंट DHA गुजरांवाला में हुई है, इतनी मेरा नहीं ख्याल पूरे पाकिस्तान में किसी सोसाइटी में हुई होगी। ठीक है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ऐसे मतलब कि वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है डेवलपमेंट के हिसाब से। ठीक है, कि मतलब कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी जब से नए PD आए हैं उन्होंने इतना काम को खींचा है। ठीक है, कि इतनी डेवलपमेंट हमने तो कहीं नहीं देखी। ठीक है, और जितने बुरे ये 2 साल थे पिछले, ठीक है, वो भी आपके सामने है कि सोसाइटीज अपना हाथ बिल्कुल रोक लिया था। इन्होंने एक दिन भी आपको पता है कि विला को बंद नहीं होने दिया। बिल्कुल ठीक है, और अभी भी वो हर बंदे को मोटिवेट कर रहे हैं PD साहब के, जी आप कमर्शियल्स बनाएं, ठीक है, हम आगे आपको मतलब कि वो जिस तरह से मैक्सिमम DHA फैसिलिटेट कर सकता है वो उस तरह से वो फैसिलिटेट कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि वो घर बनाएं, वो आगे आए, क्योंकि इस ये थोड़ी थोड़ी सी लीनियंसी DHA दिखाएगा तो ऑटोमेटिकली लोग घर बनाएंगे, अपने नक्शे जमा करवाएंगे, कमर्शियल बनेंगे। और आपके सामने 5-6 कमर्शियल तो स्टार्ट है और मेरा अपना प्लान है, ठीक है, मैं भी मतलब कि इस वीक में जो है ना ग्राउंड ब्रेकिंग इस मंथ में जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, और CZ3 में तो उससे भी जो है वो बड़ा फिर फर्क पड़ेगा हेड ऑफिस के सामने जो है ना वो कमर्शियल। तो अगर आप डेवलपमेंट को देखें, देखें अब हर चीज DHA के हाथ में नहीं है। आपसे एक ऑफिस ना बुक करवा लें सर, मैं हाजिर, आप सारा है ही आपके, इसके अंदर तो कोई दूसरी बात नहीं है। अच्छा, मैंने एक ना और चीज नोट की है गुजरांवाला की मार्केट में ना, जारी बात आपको भी हवना होगी, क्वेटा की भी, मुल्तान की, भावलपुर की, वो जिस तरीके से इन 2 साल में डाउन आए हैं ना, गुजरांवाला नहीं डाउन आया, गुजरांवाला कभी आएगा भी नहीं। ठीक है, देखें आप इस टाइम कंपेयर करें लाहौर और बाकी सब DHA से भी, मेरा ख्याल है DHA गुजरांवाला की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। ठीक है, और ये DHA ऑफिशियली अनाउंस करता है कि जो जितने भी मतलब क्योंकि स्टेटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक DHA गुजरांवाला जो है उसके रेट सबसे कम उसके डाउन हुए हैं। ठीक है, उसकी वजह है, ठीक है, देखें यहाँ पे सारी बिजनेस कम्युनिटी है, फिर जो DHA गुजरांवाला की लोकेशन है वो सॉरी टू से लेकिन मुझे तो DHA लाहौर से भी अच्छी लोकेशन लगती है। ठीक है, देखें GT रोड है, ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सेस किस जगह का है? ठीक है, और अब गुजरांवाला को नया रिंग रोड भी मिल गया। ठीक है, कि आपको चले उन्होंने एक्सप्रेस वे के साथ वो कनेक्शन दे दिए, और फिर इस जिस जगह पे DHA गुजरा वाला है आप देखें उसके साथ 2 सोसाइटीज हैं, कैंट भी है, DC क्लूनी भी है। कैंट इस टाइम पूरा फिल हो चुका है, लोगों की इधर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 7.5 करोड़ का प्लॉट, 7.5 करोड़ का ऐसी है, ठीक, वो आपके सामने आपको पता ही है उस प्लॉट का। ठीक है, कि मतलब कि जो कैंट के अंदर है वो 7.5 करोड़ का प्लॉट हुआ है, तो अब हमें यही देखना चाहिए कि इसके अंदर गैप कितना ज्यादा है। ठीक है, अगर आज DHA गुजरा वाला का प्लॉट आप सपोज कर लें 1 करोड़ रुपए का, तो उसके अंदर फर्क तो देखे ना वो कितना ज्यादा आ रहा है कि उसकी बिल्कुल बाउंड्री के साथ एक कैंट है। ठीक है, कैंट के अंदर हालांकि कोई बिजनेस नहीं है, DHA के अंदर तो सारा बिजनेस आएगा, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी इस जगह पे चाहिए जिसके अंदर इस टाइम रेट्स कम और डेवलपमेंट हो रही हो। तो दोनों काम जो है वो बड़े जबरदस्त हो रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट अब मतलब वो आउट क्लास है। ठीक है, और फिर रेट से अभी जो है, ठीक है, इन्होंने इंक्रीज करने ही करना है। अब देखना मेरे पास जितनी भी इन्वेंट्री, आपको पता चीमा साहब आपको मेरी इन्वेंट्री का पता है कि हम नहीं सेल करते, वो हम इसीलिए नहीं ना सेल करते कि देखें जी हमें नजर आ रहा है कि जितनी तेजी से काम हो रहे हैं, जितनी तेजी से DHA आगे जा रहा है। ठीक है, वो तो सिर्फ ये है कि आपके जो मुल्की हालात हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट करें, थोड़ी सी चीजें इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो मुल्क की बेहतर हों, तो ये चीजें कहीं से कहीं चली जाएंगी। और आज भी आप देखें जिस चीज को नंबर लगा हुआ है, जो नंबर वाला प्लॉट है, ठीक है, वो आज भी सेल हो रहा है, उसकी मार्केट बहुत अच्छी है। ठीक है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके अंदर, अच्छा प्लॉट आप आज मार्केट में निकालें फौरन सेल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, असल में हम लोग बाकी सोसाइटीज़ का भी काम करते हैं ना, DHA गुजरांवाला की एक अच्छी बात ही ये है कि आपकी चीज़ अगर कोई मार्केट में बाकी सोसाइटीज़ है ना, रेट होता है लेकिन उस रेट पे चीज़ बिकती नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात ही ये है कि जनाब आप अगर मार्केट का रेट है ना उस पर चीज़ बिक जाती है, वो बेशक ज़्यादा है या थोड़ा है वो एक अलग बात है, लेकिन यह कि उस पर चीज़ बिकती है। DHA का ये ना कि DHA कभी भी रुकता नहीं है।
ठीक है, कि आप कहीं कोई ट्रांसफर ही नहीं है, आप आज भी ऑफिस जाएं डीएचओ आपको नीचे रश नजर आएगा, ठीक है, चीजें ट्रांसफर होती रहती है और उसकी वजह ही ये है, ठीक है, मतलब कि डेवलपमेंट हो रही है, फिर डीएचओ एक ब्रांड है, ठीक है, डीएचओ के अंदर कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता, जो रियलिटी है वो आपके सामने, ठीक है, आपको नजर आ रही है चीज कि जी अगर इतने की फाइल है तो उसके अंदर ये नहीं है कि आपकी कंपनी ने माल उठा लिया तो आर्टिफिशियली आप उसको ऊपर ले गए, वो कभी भी डीएचओ करता ही नहीं है, ठीक है, यही डीएचओ की गुडविल है, इसी की वजह से ओवरसीज सारे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कि जी ओवरसीज आते हैं और ओवरसीज अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको पता है सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर आर्टिफिशियली कुछ भी नहीं होगा, अगर आज रेट 25 लाख है तो वो 25 लाख रियलिटी है, मार्केट के हिसाब से रेट है, डीएचओ ने उसके अंदर बैलून नहीं कोई भी अंदर रखा हुआ, कोई भी बिल्कुल ऐसे, और कई लोग हैं मतलब कि काफी जारी बात है, हर बंदा जब इन्वेस्टमेंट करता है कुछ सोचते हैं कि यार मैंने ये 2 साल के लिए करनी है, 3 साल के लिए करनी है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, क्योंकि जारी बात है हर बंदा घर नहीं बनाता है, अगर किसी ने घर बनाना भी है तो 5-6 साल का बंदा प्लान करता है कि यार मैं इतनी देर तक घर बनाऊंगा। अब उस तरह के लोग के जिन लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए पे 1-1.5 करोड़ पे जाके एक नाले परचेज की हुई हैं, वो लोग मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डाउन है, मतलब जारी बात है परेशान भी है। जी जी, मैं अगर तो जिन्होंने घर बनाना है उनका तो मैं नहीं कह सकता ना, वो तो ठीक है कि जनाब जिन्होंने घर बनाना है वो लोग अपनी फाइल्स को प्लॉट में शिफ्ट भी कर सकते हैं क्योंकि उतना प्लॉट नीचे भी आया जी, ठीक है। जिन लोगों ने सिर्फ इस नियत से इन्वेस्टमेंट की थी कि यार मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, आप क्या समझते हैं कि उनको दोबारा वो रेट्स कब मिलेंगे? देखिए उसके अंदर अगर आप देखें ना कि डीएचए ने कुछ करना है तो मेरा तो ख्याल है डीएचए अपने 100% पे जा रहा है, डेवलपमेंट ही कर सकती है ना एक सोसाइटी, ठीक है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। अब देखिए जमीन भी जिससे उन्होंने बंद की हुई है कि चीजों के रेट कम ना हो, ठीक है, अच्छा मजीद लैंड अप नहीं ले रहे हैं, मतलब कि कोई इतनी ज्यादा नहीं लैंड आ रही है, वो पॉट्स जो मतलब कि बड़ी जरूरी है उसके ऊपर वो जरूर जा रहे हैं, लेकिन जो है वो मतलब कि जो जो उनकी जरूरत नहीं है वो मेरा ख्याल उसकी तरफ अब इतना ज्यादा नहीं जा रहे, ठीक है। उससे देखें ना आपकी फाइल भी एक मेंटेन हुई है एक जगह के ऊपर, आपकी फाइल भी नीचे नहीं जा रही, आज आप देखें मार्केट बड़ी अच्छी है, मतलब कि कंट्रोल मार्केट है, ठीक है, उसके अंदर कंट्रोल में है चीजें, ठीक है। अब बाकी जो चीज़ें आ जाती हैं ना वो आपकी 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 इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। उसके अंदर जब इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ अभी देख ही नहीं रहा, ठीक है, जब पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टर देखेगा तो फिर सारा कुछ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जो लोग आज होल्ड करके बैठे हुए हैं वही कमाएंगे ना, ठीक है, ये तो नहीं कि ये चीजें इधर ही रह जानी है, ठीक है, कभी भी नहीं ऐसा होगा, इसके रेट्स ऊपर जाने ही जाने, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, आपके विलाज की आएगी, आपका जब डीएचए हेड ऑफिस जो है वो भी मैंने मतलब कि मुझे लगता है कि 2-3 माह के अंदर अंदर जो है ना उसकी भी डिलीवरी है, उसकी फिनिशिंग पे चला गया वो प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके सामने आपको बताया हमारे कमर्शियल भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, विलाज का 400-500 घर बड़ा घर होता है, ठीक है, कि जब उधर आबादी आएगी तो फिर भी रेट्स के अंदर फर्क आएंगे, ठीक है, फिर कुछ 1-2 पैचेज हैं जो वो क्लियर हो जाएंगे तो रेट्स तो फिर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। एक वो बैजन आइकन मॉल का सुना था, वो कहाँ पर गया है, अचानक गायब भी हो गया है? नहीं उसका भी मेरा ख्याल एमओयू वगैरह तो हो गया था, एमओयू साइनिंग सेरेमनी हो गई थी, तो आप पता है डेवलपमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, आप किसी रोड का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दें तो उसको भी बनने में ज़रा टाइम तो लगेगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होता है ये प्रोसेस, लेकिन इंशाल्लाह बनेगा तो जरूर। बाकी एक वो लगूना भी एक वो लोग बड़े परेशान है यार, यकीन माने मैं उस दिन एक ना इनके प्लैटिनियम सेल्स पार्टनर थे, जी जी, तो मैं उनसे पूछ रहा, उनका मुझे फोन आया हुआ था, कहता यार वो लगूना वाले का की कीता जे, मतलब मैं कहा सर करना तो सा बेचे है, कहता यार लोग सानू गले नु पे पेंदे ऐसी है। देखिए लगूना जरा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग जरूर है, लेकिन उसका भी यही है कि उसकी भी आपको पता है जमीन तो एलोकेट हो गई है, फंक्शन भी हो गया है, ठीक है, डीएचए अपनी तरफ से जितना कर सकता था वो उन्होंने किया और वो कर भी रहे हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह सून वेरी सून आप लोगों को उसकी भी जो है ना कोई गुड न्यूज जो है ना वो मिल जाएगी। मुझे पता है उसके अंदर जाहिर है बड़े लोग परेशान है, गुजराना की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वैसे ही सिर्फ स्टार्ट हो जाए ना लगूना, जी जी, मतलब कि आप वो लगून बनना स्टार्ट हो जाए, लोगों को नजर आए तो एक ये बड़ा कह लें कि अट्रैक्टिव पॉइंट बन जाएगा। Exactly. 2-3 साल के अंदर ये लगून बना के इर्द गिर्द को थोड़ा से मतलब कि हाई राइज एक आदि बना दें या उसके अंदर कोई शॉपिंग मॉल हो जाए, लोग देख के टोटल ये डीएचए की तरफ बैठ जाए। देखिए अभी भी देखे ना लगूना डीएचए के साथ ही है ना, बिल्कुल ऐसे, डीएचए की वजह से ही लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। लगूना में जो आप वाली बात है मैं उसे 100% एग्री करता हूँ कि जैसे ही कोई चीज भी आएगी ना सिर्फ 1% भी आएगा लोगों का जाना वहां पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर लोग जाना शुरू हो जाए ना वो बात हो जाती है। और ये देखे ना अभी तो मार्केटिंग वाले डीएचए जो गुजरा वाले के मार्केटिंग वाले उनको स्पेशल एक इवेंट करना पड़ता है, कुछ 40-50 लाख रुपया लगाना पड़ता है लोगों को बुलाने के लिए। जी बिल्कुल, अगर ये चीजें बनने लग पड़े मेरा ख्याल है कि जब लोगों की आमदोरफ स्टार्ट हो जाएगी, कई इस तरह के लोग हैं कि मतलब जिन लोगों ने इसको अंदर से देखा भी नहीं है लेकिन इन्वेस्ट किया हुआ बिल्कुल,
मतलब एक लोगों का आना जब स्टार्ट हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इवेंट्स जो डीएचए करवाता है वो तो डीएचए को वैसे भी करवाने चाहिए, ठीक है, लोगों को अंदर लाने के लिए। एक नई सोसाइटी है ना, उसके लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लोगों को अंदर दिखाना पड़ता है। अब आप रात के टाइम जाएं, आप डीएचए का गेट देखें और अंदर की लाइट्स वगैरह देखें, बड़ी खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी कैंट से बड़ी अच्छी नजर आती है। मैं रात को वॉक करता हूँ तो वो अक्सर नजर आती है, तो वो बड़ा मतलब कि जो है ना बड़ा जबरदस्त सा वो उसका होता है सिनेरियो। तो ये डीएचए 40-50 लगा ले, मेरा नहीं ख्याल उनको कोई फर्क पड़ता, उनको बार बार लगाना चाहिए, और वो खैर इससे बड़ा ज्यादा लगाते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा ये कि ये टाइम लगेगा चीजों को, ठीक है, लेकिन अब वो नहीं है। आपने पिछले साल बड़े देखे हैं कि पिछले सालों में डेवलपमेंट है ही नहीं थी, ठीक है। मेरे जितनी लास्ट जो गवर्नमेंट सॉरी मैनेजमेंट थी उनके पास टास्क लैंड का, ठीक है। अब जितनी डेवलपमेंट ब्रिगेडियर असलम खान न्याजी के दौर में हुई है, इतनी वो पॉसिबल नहीं, जितनी तेजी से काम हो रहा है, ठीक है। मतलब पिछले आप ये देखें कि 10 साल का काम पिछले का वो ब्रिगेडियर असलम खान न्याजी ने करवाया है, जिस तरह भी करवाया। आप ये देखें कि आप साइड पे जाए ना, आपको इस टाइम एल ब्लॉक के अंदर भी मशीनरी मिल रही है, आपको के में भी मिल रही है, आपको एम में भी मिल रही है, उसके अलावा ये आपके डी सेक्टर लाके बैलेट नहीं हुए, यहाँ पर वहाँ पे भी मिल रही है, जे में भी आपको मिल रही है, और विलाज मेरे ख्याल से तकरीबन टोटल को 500 विला आपको हर स्ट्रीट के अंदर आपको लेबर वो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि वो इन सब चीजों को पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं, वो विजिट करते हैं, ठीक है। जो ठेकेदार वगैरह कोई नहीं भी कुछ काम शाम करते हैं तो उसको खींचते भी हैं, ठीक है। और मतलब कि उनको फिर देखे ना, इनका सबसे ज्यादा ये जो भी आपके मतलब के डेवलपर्स होते हैं, इनको यही होता है कि इनकी पेमेंट्स वगैरह रिलीज होती रहे टाइम से, ठीक है। एक कंपनी से उनका यही मुतालबा होता है, तो डीएचए तो बड़ा रिलैक्स है, उनको फुल पेमेंट्स कर रहा है ताकि चीज डिलीवर हो। अब आप देखें ना कि जो विलाज भी है, ठीक है, इतना सस्ता विला वो किसी भी तरह से मेरी समझ में ही नहीं आता, लेकिन डीएचए बना रहे, ठीक है, कॉस्टिंग भी कर रहा है, हर तरह से अकोमोडेट कर रहे हैं डेवलपर को कि आप चीज डिलीवर करो। आप अब देखें जो CZ3 से आगे जो मेन बुलेवार्ड जा रहा है, ठीक है, वो बड़ी बड़ी तेजी से बन रहे हो। अच्छा, ये बीच में एक वो स्पॉट है, जी जी, आपने देखा होगा मेन बुलेवार्ड पे लिटिगेशन चल रही है, डेरा है और साथ जी 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 चार कनाल जगह। देखिए वही एक मेन थोड़ा सा हर्डल जरूर रह गया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह बड़ी जल्दी वो हल हो जाएगा। अच्छा, आपको अच्छी न्यूज जो है ना वो बड़ी जल्दी आएगी, क्योंकि जाहिर वो बदों की कही है। अच्छा, हाँ जी, उनके जी जी सही सही। मेरे को कुछ सुनने में ये भी आ रहा था कि शायद ये जो सरकारी रोड है ये इसको डीएचए लेने जा रहा है और इनको एक सेपरेट रास्ता और ये जो गोल्डन फ्यूजी के आगे से अंदर जाता है इसको को बना के देने लगे, कुछ इस तरह की है नहीं। देखें जो सरकारी रास्ते होते हैं ना वो कोई भी सोसाइटी हो वो लेती है पंजाब गवर्नमेंट से, ठीक है, तो डीएचए भी लेगा, क्योंकि उसके बगैर तो आपकी देखिए आपने एक सीनरी भी बनानी होती है अपनी सोसाइटी की, ठीक है, एक व्यू बनाना होता है सोसाइटी का, ठीक है। आप सारा 5 मरले सामने ले आए तो आपकी सोसाइटी तो रहती नहीं है, ठीक है। तो वो ये छोटी छोटी चीजें हैं, रास्ता खत्म करना, ये डीएचए ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, क्योंकि वो डीएचए एक ब्रांड है, उन्होंने एक खूबसूरत डीएचए, देखें डीएचए कभी भी जो हमारे आसपास की सोसाइटी है उनसे आप कंपेयर नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल है डीएचए जो है वो एक नया गुजरांवाला बनने जा रहा है, 9,000 एकड़ है, कोई थोड़ी जमीन नहीं है, ठीक है ना। तो जब वो तो ये चीजें तो उनको करनी पड़ेंगी जाहिर है उसको खत्म करने के लिए, और वो जो मंदिर बना हुआ उसको मेरे से रेनोवेट करेंगे ये लोग। हाँ, मेरे से कोई पूछे मैं तो ये सजेशन दूंगा कि उसको इतना अच्छा रेनोवेट करना चाहिए, ठीक है, उसे देखें, उसे आपका फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, फॉरेन टूरिस्ट आएगा, ठीक है, जो हमारे सिख भाई हैं वो आएंगे, ठीक है, अगर आप उसको करते हैं। और आपका वैसे भी लोगों को तो देखें मौका चाहिए, हमारे लोग पाकिस्तान के वैसे बड़े मायूस हैं इस टाइम, बद्दोगी का साइन था, बद्दोगी का वो साइन था, हर बंदा उससे जानता था, तो लोग वैसे भी मतलब उसके आसपास कोई पार्क बन जाए या उसको अच्छा सा रेनोवेट कर दिया जाए तो बड़े लोग अट्रैक्ट होंगे, बड़े लोग आएंगे। लोग अभी देखें अभी डीएचए में स्टार्ट में जो पार्क्स वगैरह बने हुए हैं, आप कभी भी वीकेंड पे चले जाएं, ठीक है, जहाँ पे डीलर्स इन क्लेव वगैरह वहाँ पे फैमिलीज आपको नजर आती हैं, ठीक है। अब तो आपका जू भी तैयार हो रहा है और बरल के स्टार्ट भी हो गया वो। मैं वो देख रहा था उस दिन, ये अक्सर चलो रात टाइम विजिट नहीं होता है, शबास्तिका चाहसा रनिंग में, हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है, उनके भी आते हैं बिल्कुल, और भी बढ़िया। अभी देखिए जैसे कमर्शियल आएंगे तो मैं खुद ब्रांड्स लेके आऊंगा, ठीक है, कि मतलब देखे ना, हम अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमने तो इन्वेस्टर ने तो यही देखना होता है ना कि मुझे कहाँ से इनकम अच्छी जनरेट होगी। अच्छा, बड़ा कमर्शियल स्टार्ट कर जी, बड़ा कमर्शियल स्टार्ट कर, तो वो हम करेंगे तो हम खुद ब्रांडिंग अच्छी करेंगे, कोई अच्छे लेके आएंगे ताकि हमें भी जाहिर है उससे अब बेनिफिट हो, क्योंकि देखिए ना हम लोग भी डीएचए के साथ अटैच है, डीएचए चलेगा तो हम भी चलेंगे, हम सब चलेंगे, आप भी मैं भी, ठीक है, हमारा सारों का इंटरेस्ट जो है वो डीएचए के साथ, हम लोकल्स हैं, ठीक है, हमें तो हमारा सबसे ज्यादा राइट भी है इसके ऊपर, देखिए ना सबसे ज्यादा लैंड भी हमने दी है, ठीक है, तो वो अच्छे ब्रांड जो है ना वो इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। अच्छा, आपने वैसे डीएचए डिले बहुत किया लैंड से याद आ गया। देखिए वो बस हर बंदे का, हाँ ये बात आपकी ठीक है,
देखिए हमारा भी राइट था बिल्कुल कि अपना इंटरेस्ट जो था हमने, लेकिन हमने कोई भी इलीगल काम नहीं किया उसके अंदर, ठीक है। हमने कहा जी जिस तरह आप डीएचए कहेंगे उसी तरह ही करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने टाइम के साथ अच्छा बेनिफिट लेना, मेरा हमारा राइट था। हम लोकल थे, वहां के रहने वाले थे, सबसे ज्यादा जमीन थी। फिर आपको पता है जो इधर के लोकल लोग हैं उनके लिए जमीन सेल करना सबसे मुश्किल काम होता है। और मैं तो वैसे, मैं और हमारे वालिद जो है वो तो वैसे जमीन के मतलब आशिक जिस तरह कहते हैं ना, वो है कि जी कोई चीज जमीन मिलती है वो हम नहीं छोड़ते, ठीक है। तो अपनी जमीन, अपनी अबाई जमीन, अपने गाँव की जमीन सेल करना वो बड़ा मुश्किल स्टेप था, ठीक है। लेकिन हमने फिर भी यही कहा कि जिस तरह डीएचए कहेगा उस तरह होगा। अच्छा, लेकिन जिस तरह आपने कहा वैसे भी डीएचए ने भी मान लिया, वो जाहिर है फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और ऑन टेबल ही सारा कुछ होना था ना, वो जाहिर है। ठीक है, तो नेक्स्ट मतलब इसमें कुछ जेवीज भी। हाँ जी ज्यादा बिल्कुल, जेवीज बड़े अच्छे हैं, ठीक है। आपका आइकन मॉल है, हॉस्पिटल बनने जा रहा है, आपका हॉस्पिटल बनेगा। देखिए गुजरांवाला के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अच्छा हॉस्पिटल, हमें लाहौर ही जाना पड़ता है। तो अगर अब जो मैंने जो सुनने में आ रहा है कि जो हॉस्पिटल बन रहा है वो स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उससे जो है आना जाना तो उससे ही बड़ा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अंदर मार्किज हैं, अंदर दो पेट्रोल पंप्स हैं, ठीक है। उनके भी मेरा ख्याल एमओयूज हो रहे हैं अभी, तो वो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग आएंगे, ठीक है। आपका कॉरपोरेट टावर है उसके बाद, तो वो चीज़ें तो आप गिनते जाएँ तो आपसे ख़त्म ही नहीं होंगी। जितने ज़्यादा गोल्फ कोर्स है जो नहीं अब एक आ रही है कि उसके लिए भी वो डेवलपमेंट कुछ कर रहे हैं। आप समझते हैं कि 15 से 20 साल के अंदर ये को इसका कोई चेहरा मोरा निकल आएगा? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि वो जिस पैच की आपने बात की थी वो अगर क्लियर हो, ठीक है, तो 2 साल के अंदर भी आपका चेहरा मोरा निकल सकता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर तो आपके पास पोजेशन अभी ना होता फिर आप कहते 10 साल की बात करते। जब सी और जी में घर बनना स्टार्ट हो गए, आपके दोस्त मेरे दोस्त, जब आपको खुद पता है कि हम नक्शे जमा करवा रहे हैं और वहां पे घर बना रहे हैं, तो फिर चेहरा मोरा क्यों नहीं निकलेगा? बिल्कुल, जब आबादी आ जाएगी, विलाज आप रोज आप तो जाते हैं वहां पे, वीडियोस भी बनाते हैं, आपने देखा विलाज कितनी तेजी से आगे चले गए, बिल्कुल ठीक है। आप उनको डिलीवर करना चाहिए, आप आज भी उनका बैलेट करना चाहिए नंबर्स वाला, तो आप आज कर सकते हैं, क्या मसला है उसके अंदर, कोई मसला नहीं, ठीक है। बड़ी तेजी से उनका काम हो रहा है, तो चीजें तो मतलब कि वो हो जाएंगी। और अभी इनिशियल में बड़ा क्वेश्चन आता है, जो लोग बना घर बनाना भी चाहते हैं, एक तो चले इन्वेस्टर बनाता है ना, दूसरा एक आम बंदा वो बनाता है, उसके माइंड में एक चीज़ आती है कि यार मैं इतने कल्याँ घर बना के ही करूँगा। मतलब अभी तो मेरे से एक दो तीन मेरे हाल से ये जी के अंदर स्टार्ट हुए हैं, सी के अंदर भी मैं उस दिन देख रहा था घर स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है उनका, जनाब इतने गैस बिजली पानी ये वो ये सब कुछ अवेलेबल है उधर? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई सोसाइटी स्टार्ट होती है उसके अंदर अर्ली राइजर्स होते हैं, ठीक है। किसी ने तो बनाना है ना, ठीक है। आप आपके और मेरे होश के सामने ये 7 वाली डीसी कॉलोनी आबाद हुई है, बिल्कुल आपके मेरी होश के सामने हुई है। क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, लोगों ने घर बनाए, ऐसे इधर भी बना रहे हैं लोग, ठीक है। एक नई सोसाइटी है, बेबी डीएचए है, अभी लोग इसको स्टार्ट हो रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने सामने इतनी आबादी और इतने घर बन जाएंगे कि हम तब हम भी ये याद क्या करेंगे कि ये डीएचए में इधर हमारी जमीन थी, इधर हमारा डेरा था, इधर हम क्रिकेट खेलते थे, अब उधर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उधर सारा कुछ जो है वो लोग जब स्टार्ट हो गया ना काम एक, ठीक है। तो इंशाल्लाह आबादी जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और मैनेजमेंट अगर इसी तरह की रहे, ठीक है, जिसने मतलब काम ठीक खींचा है और अच्छा मतलब के और अच्छी क्वालिटी के साथ फिर, ठीक है ना, तो बड़ी जल्दी काम जो है। मैं समझूंगा कि माइंडसेट जो है ना बेसिकली तो कंट्रोल्ड हो रहा होता है जीएचक्यू से, जी मतलब सारी बातें निगरानी कर रहे हैं। और अगली जो मे बी मैं तो चाहता हूं कि इन ये जो मैनेजमेंट चल रही है इसको यार एक्सटेंशन 110%, ठीक है। अगर जिस तरह मैनेजमेंट अब सेट हुई है, जिस तरह इनको पता, क्योंकि देखिए 1.5 साल तो बंदे को वैसे ही पता ही नहीं चलता, ठीक है, चीजें सीखने में लग जाता है इनको, सीखने बिल्कुल इनकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर इनकी मतलब जो आपका क्वेश्चन है वो अगर इनकी एक्सटेंशन होगी तो मेरा ख्याल है चीजें और जल्दी डिलीवर होंगी, बजाय कि नया बंदा आके और वो उसके बाद अभी सीखे साल चीजें डिले हों, क्योंकि ये तो सारा कुछ अब पाइपलाइन में, हर चीज फिंगर टिप्स पे है, ग्रिप है हर चीज के ऊपर। तो मेरा ख्याल है इसी मैनेजमेंट को चलना चाहिए जितनी तेजी से इन्होंने काम किए। बाकी देखें जो रेट्स की बात है ना, वो कुछ चीजें डीएचए के हाथ में नहीं है। अब इन्वेस्टर अगर बाहर से आ ही नहीं रहा, हालांकि मैं तो आज भी एक दो चीजें डिस्कस हुई हैं कि इन्वेस्टर के लिए भी वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि हम कोई ना कोई चीज ऐसा कोई नया ब्लॉक या कोई चीज मतलब कि ओवरसीज के लिए लेके आए। जी जी वो अंडर डिस्कशन है, लेकिन मेरा जो ख्याल है ना कि अथॉरिटी को ओपन होना चाहिए। हाँ, वो ही मैं कह रहा हूँ, वो ब्लॉक करके ना वो डीएचए ने थोड़ी सी गलती की हुई है उसके अंदर। अथॉरिटी ओपन होगी तो उससे ये होगा कि आपका जितना भी इन्वेस्टर है ना वो जरूर आपसे फाइल वगैरह उठाएगा, ठीक है, वो फाइल खरीदेगा, क्योंकि अथॉरिटी ना उसको ट्रांसफर चार्जेस पड़ जाते हैं। अब आपको पता है जितने टैक्सीज है एफबीआर को आपने जवाब देना है, तो वो बड़ा हर्डल है। और ये मुझे नहीं समझ आई कि वो खत्म की क्यों है, बिल्कुल ठीक है, उसका कोई जवाब बनता नहीं था। मैन वो
ये पिछले दिनों एक दोस्त से डिस्कशन हो रही थी, तो मुझे कहता है कि यार मैंने एक चीज़ लेनी है, मैंने 6 माह के लिए इन्वेस्ट करूंगा और उसके बाद मैंने बेचनी है। तो फिर वो जारी बात है कि मैं अगले बंदे को मशवरा तो अब बचा ही देना है ना। मैंने उसे कहा कि यार अगर तुम 6 महीने का सोच रहे हो, तो तुमने तो अगर फॉर एग्जाम्पल 40 लाख रुपए की फाइल ले रहे हो 10 मरला की, ऊपर तकरीबन को 2 लाख रुपए 2 लाख प्लस तुम टैक्स दे रहे हो, कल को तुमने गेन टैक्स भी देना है, तो मैं तुमने तो जो बचाना है वो तो जारी बात है वो तो ये सरकारी खातों में चला गया। बिल्कुल ऐसी। तो इससे मेरे ख्याल से जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये अथॉरिटी ओपन करते हैं, तो वो जो ओपन फाइल्स की ट्रेड कह लें, एक तो ये कि एक तो अभी डीलर्स इनक्लेव भी बना दिया है वहां पर भी स्टार्ट हो जाएगी जी, और दूसरा ये कि जो शॉर्ट टर्म के लिए आना चाह रहा है उसको भी वेलकम होगा। नहीं, मैं इंशाल्लाह अगर आपकी नेक्स्ट मीटिंग आती है ना, मैं उसके अंदर ये बिल्कुल डिस्कस करूंगा। ठीक है, 2-3 चीजें ये मुझे भी नजर आ रही हैं। एक तो अथॉरिटी जरूर ओपन होनी चाहिए, दूसरा फाइल्स को डिले करने का मुझे कोई मकसद नहीं नजर आता। एग्जैक्टली, इस फैक्टर की वजह से आपका ईद पे चीजें सेल नहीं हुई। ठीक है, अगर आप वही टाइम आपका कम होता, मैं क्योंकि आउट ऑफ कंट्री था, अगर यही टाइम आप लोगों का फाइल जो आपकी 15 दिन में निकलती, तो आपकी ईद के अंदर मार्केट बड़ी अच्छी होनी थी। इस चीज ने आपकी मार्केट को बड़ा आप किए जो आपने फाइल जो है ना जो डिले हुई है। मैं खुद कुछ अंदर सबमिट करवाई हुई थी फाइल्स, वो यकीन माने 3-3, 4-4 माह हो गए हैं और वो वाउचर निकले हुए हैं और उसके बाद अभी तक वो फाइल्स नहीं आई। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। ये भी होना चाहिए। और दूसरा एक ये भी इनको मतलब मेरे ऐसा सजेशन देनी चाहिए कि जितने लोग ये डीसी कॉलोनी में, गार्डन टाउन में, सिटी हाउसिंग में, मास्टर सिटी में या पाम सिटी में ये लोग घर बना के सेल करते हैं, मतलब कह लें कि हर ग्रुप के अंदर 1-2 दोस्त इस तरह के, काफ़ी लोगों का ये बिजनेस है, अगर उन सबको इधर बुला के एक अच्छा सा खाना शाना किया जाए, उनको ओब्लाइज किया जाए, इनकरेज किया जाए, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी, क्योंकि हर बंदे के पास 2-2, 3-3 क्लाइंट्स मौजूद हैं। जी जी, ऐसी हर बंदा अगर आप 100 बंदे को इनवाइट कर रहे हैं, बीच में से 20-25 भी अगर घर बनाना स्टार्ट करते हैं, उसका भी इम्पैक्ट अच्छा आएगा मार्केट। अच्छा, मैं इसका आपको बताता हूँ कि जो इस टाइम पीडी है ना, ठीक है, वो इतना अकोमोडेट कर रहे हैं आउट ऑफ द वे जाके भी, ठीक है, जितना भी डेवलपर है, आप उनसे कोई भी डिमांड करें, यहाँ तक है मुझे पता चला है कि डीएचए बोर तक भी खुद करवा के दे, ऐसे ही है, ठीक है, मतलब अब ये देखे ना, कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ये जरूरत है डीएचए की और डीएचए को करना भी चाहिए। जब आपने नई सोसाइटी को आबाद करना है तो ये चीजें मायने नहीं रखती कोई भी, ठीक है, मतलब कि वो हर हद तक जो है ना, मतलब कि ब्रिगेडियर साहब जा रहे हैं कि लोग आए, लोग अट्रैक्ट हों, उसके अंदर कोई मतलब इतनी लीनियंसी मेरा नहीं ख्याल कि किसी डीएचए में होगी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि लोग अपना घर बनाए। तो मेरा ख्याल है वो बड़ा अच्छा, ये भी आपका आइडिया ठीक है कि अगर सबको बुलाया जाए, लेकिन वो तब भी हो सकता है ना, अगर लोग इंटरेस्ट शो करें कि हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो मीटिंग का तो कोई नहीं, वो तो मैं भी मतलब कि आप डिनर तो मैं भी करवा दूंगा उनको, मैं भी बुला लूंगा, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप ये बात करें ना कि डीएचए की रिलैक्सेशन कितनी है, वो बहुत ज्यादा है। असल में पता क्या होता है, अब ये देखें कि मास्टर सिटी में जो बंदा घर बना रहा है वो इस चीज से एजुकेट नहीं है, ठीक है, उसको यहाँ का नहीं पता है, सिटी हाउसिंग वाले को नहीं पता है, गार्डन टाउन वाले को नहीं पता है, क्योंकि वो लोग सेट हो गए हैं, वो 5-10 साल से वहाँ पर एक सोसाइटी में ही काम कर रहे हैं। जो डीसी क्लोनी, इवन के डीसी क्लोनी के ऐसे डीलर्स हैं जिनको डीएचए की हाउ नाउ का नहीं पता है कि किस तरह काम होता है ये वो सारा, अगर सबको बुला के एक मीटिंग के अंदर एजुकेट किया जाए, तो उनको एक प्रपोजल अच्छा दिया जाए कि यार यहाँ पर आप, यहाँ पर यकीन माने 5 मरले का जो घर है नया, आपको 2.25 करोड़ का मिल रहा है, और जो 10 मरले का घर है 4.5 करोड़ तक चला गया हुआ है, और कनाल का घर 8 करोड़ से ऊपर है। बिल्कुल ऐसी वो ही चीज़, अगर ये लोग डीएचए में आते हैं तो इनको 5 मरले के घर की जो कॉस्ट पड़ेगी वो तकरीबन कह लें कि प्लॉट समेत इनको तकरीबन को 1.5 करोड़ में पड़ रहा है। बिल्कुल 10 मरला जो है इनको तकरीबन को कह लें कि बड़ा भी लगाएं तो ये 1.5-2 करोड़ के में इनको कॉस्ट कर रहा है, और जो कनाल है वो प्लॉट समेत वीआईपी किस्म का घर, वो तकरीबन 3.5-4 करोड़। मैं थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन में ऐड करता हूँ कि मेरे और आपके बड़े से दोस्त हैं जो डेवलपर हैं, जो पहले इन सोसाइटीज में घर बनाते रहे, उन सब ने आपसे मेरे से 3-3, 4-4 प्लॉट लिए हुए, ठीक है, वो बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, उनको स्टेप थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा, ठीक है, वो अपनी फाइल तो सबमिट करवाए ना, ठीक है, फिर वो हमें बताएं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की। मेरा नहीं ख्याल वैसे कोई प्रॉब्लम है इस टाइम, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी डीएचए प्रोवाइड कर रहा है, बोर आपको डीएचए प्रोवाइड कर रहा है, इनिशियली तो आपको यही 2-3 चीजें सही होती है ना, ठीक है, वो सारा कोई डीएचए वहां पे मतलब कि उनको जो है ना वो मुहैया कर रहा है, जिस तरह की मर्जी फैसिलिटी उनको चाहिए, ठीक है, तो और 4-5 लोगों की फाइलें हम सबमिट करवा भी चुके हैं जो डेवलपर है, ठीक है ना, वो आप कॉस्टिंग देखे ना कि अगर यहाँ पे 2-2.25 की एक चीज सेल हो रही है, डीएचए में आपको 50
लाख रुपए में पार्टी और उसके ऊपर आप अगर 5 महीने की कॉस्टिंग निकालें वो 80 मेरे ख्याल है आ रही है 8 मिलियन आ रही है 8-9 मिलियन आ रही है उसकी, ठीक है। तो आपको घर फिर भी 130-140 में पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका गैप अभी भी बड़ा ज्यादा है, देखें ना 70-80 लाख रुपए का 5 मरले में गैप हो यार, अगर आपका 2 का नहीं बिकेगा आपका 1.5 का बिक जाएगा, तो वो अच्छा मार्जिन है। अच्छा मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ, ये बाकी सोसाइटीज में भी जाहिर बात हम काम करते हैं तो अच्छी चीजें पिक कर लेते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी मतलब कि बहुत बड़ा नाम है, अगर आप मिडल ईस्ट में चले जाएं या आप सऊदीया में चले जाएं, क्यों कोई इस तरह का लेबर का बंदा नहीं है जिसका वहां पर प्लॉट ना हो, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे हर घर में उसकी तकरीबन फाइल निकल आती, वहां पर उनकी मैनेजमेंट ने ये कहा है यहाँ पर आके घर बनाएं, ठीक है, आप रेंट आउट करें, अगर नहीं रेंट आउट होता तो उसका रेंट हम देंगे। मतलब आप देखें ना कि 50 घर बन जाते हैं, DHA इनिशियलेबल तो रेंट आउट होने ही होने हैं, क्योंकि ना आपको कैंट में रेंट पे घर मिलता ना डीसी कॉलोनी में मिलता है, महीना महीना दो दो महीना लोगों को वेट करना पड़ता है, अवेलेबिलिटी नहीं है ऐसे ही है कैंट के अंदर। मेरे दोस्त ने कल कॉल की थी कि जी हमें घर दे, मैंने फिर वो मौजम साहब को कहा, उन्होंने कहा सर जी पूरे कैंट में सिर्फ 2 अवेलेबिलिटीज है, उसमें भी कनाल नहीं है, ठीक है, एक अपर पोर्शन है और एक आठ मरला, ऐसे ही इधर इतनी रिक्वायरमेंट है। और मेरा ख्याल है मैं कॉन्फ्रेंस में किसी ने सुना था कि शायद 13,000 घर की ईयरली रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल। तो वो तो आपको विला से ही समझ आ जाएगी, ऐसे विलाज की आप सिर्फ एक दफा की दें और आप देखिए उधर आबादी आती कैसे, ठीक है, लोगों की रिक्वायरमेंट, लोगों को रेंट पे चीज मिल ही नहीं रही यहाँ पे, ठीक है। आप देखे ना जो मतलब कि आपकी मिडिल क्लास है, ठीक है, जो इस टाइम अपना घर नहीं बना सकते, उन्होंने रेंट पे जाना है, तो वो विलास की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। या अगर आपकी डेवलपमेंट होती है, कमर्शियल बनते हैं, तो ऊपर हो सकते हैं फ्लैट भी कोई लोग बनाए, ठीक है, तो वो भी मतलब अगर आप रिक्वायरमेंट की बात करें ना घर की, वो तो इधर बहुत ज्यादा है इस टाइम, बिल्कुल। ये देखे ना अगर कैंट के रेट इतने ऊपर गए हैं इस हालात में, इस वजह से गए ना कि वहां पे अवेलेबल चीज नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आपको घर बना बनाया भी वहां पे मिलता है, तो वो जो लोग जो रेट मांगते हैं उस रेट के ऊपर चीज बिकती है। 7-8 करोड़ रुपए का ग्रीन बेल्ट के ऊपर प्लॉट बिका है, ठीक है, वो बड़ी मतलब कि है बड़ी अमाउंट है गुजराला के हिसाब से जो है गई है, बड़ा अच्छा रेट, तो इधर भी जाएगा, ठीक है। देखे ना एग्जेक्टिव ब्लॉक है, ठीक है, जी का जो 156 रोड वाले प्लॉट है आज भी वो 1.5 के तो बिकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली आपका 4.5 का बिकता है, उनके साथ बिकता है, ठीक है, उसकी है, तो मतलब कि जो अच्छी चीज है वो तो आज भी वो तो इधर भी चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में उसके रेट और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। वही ना, ये अगर इन सबको इनवाइट करते हैं, एक गैदरिंग होती है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस उनको दिया जाता है कि यार ठीक है आप घर बनाओ, इसको रेंट आउट भी हम करेंगे। जी जी, DHA के पास बहुत बड़ी मैनेजमेंट है। हाँ, वो तो कोई इशू ही नहीं है, जाहिर है कि DHA के पास नहीं होगा कुछ तो भी इससे पता क्या होगा, एक तो वो डेवलपर भी कॉन्फिडेंस में आएगा, दूसरे वो लोग कॉन्फिडेंस में आएंगे जो लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं, जो इस चीज का वेट कर रहे हैं कि यार अभी वहां पर जाके हम अकेले घर बनाएंगे। जी बिल्कुल, उनको भी कॉन्फिडेंस। ये जो अकेले घर वाली बात है ना, ये मेरा ख्याल है नेक्स्ट 6 मंथ्स में खत्म हो जाएगी, अल्लाह करे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और इसके अलावा मतलब आप कुछ क्लाइंट्स को मैसेज देना चाहें जो लोग परेशान हैं, जी जी, जो लोग पैनिक हो के, खास तौर पे वो लोग जो पैनिक हो जाते हैं और पैनिक हो के चीजें बेचते हैं, और मार्केट के अंदर इस तरह के लोग अवेलेबल हैं जो उनकी मजबूरी का और उनके को कह लें कि जो सिचुएशन उन पे बनी होती है उसका फायदा उठाते हैं जी। मैं आपको इसका भी देता हूँ, देखिए बुरा टाइम जरूर है इस टाइम पूरे मुल्क के ऊपर, ऐसे ठीक है, रियल एस्टेट के ऊपर इस टाइम अलग स्लम चल रहा है वो सबको पता है। आप फिर भी अगर आपके पास कोई DHA गुजरांवाला की चीज है तो आप अभी भी सारे DHA में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यह आपको थोड़ा सा मोटिवेटिंग बात है, ठीक है, कि आपकी चीज का रेट जरूर कम हुआ है लेकिन जिस तरह बाकी DHA हैं उनसे जरूर बहुत बेहतर है, ठीक है। अब चीजें डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, पिछले 9-10 साल में डेवलपमेंट नहीं थी, ठीक है, जितनी 1.5-2 साल में डेवलपमेंट हुई है वो चीजें अब आपको नजर आ रही हैं, आप जाके ऑन ग्राउंड अपने प्लॉट्स देख सकते हैं, सी और जी में आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें इसलिए इतना कोई डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। पता है जाहिर है किसी की मजबूरी है वो तो जरूर अपनी चीज सेल करने आ जाता है, उसके लिए जाहिर आजकल परेशानी, लोगों ने बड़ी बड़ी महंगी चीजें भी ली हुई है, लेकिन थोड़ा सा टाइम है अगर कोई होल्ड कर सके तो मेरा ख्याल है पैनिक नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर होल्ड करेंगे तो उनका ही बेनिफिट है, ठीक है। आप जब पैनिक करते हैं तो फिर चीजें आप जाहिर मार्केट में सस्ती देते हैं, सारी मार्केट खराब हो
हो जाती है। अभी तक मार्केट खराब भी इसी वजह से हुई है, ठीक है ना, कि लोग अक्सर पैनिक करके, ठीक है, उन्होंने अपनी चीजें सेल करने स्टार्ट की, या जिनकी जरूरत थी जरा लोगों की जरूरियात भी, मुल्क हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं है, तो लोगों को सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी नजर आती है कि हम इसको किसी भी तरह से कैश पेमेंट के ऊपर सेल करते हैं। बिल्कुल, तो जो होल्ड कर सकते हैं, मेरा तो उनको ये मशवरा है कि थोड़ा सा होल्ड और करें, ये 6 महीने साल जो है ना वो जरूर देखें, ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके अंदर अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। इसे डाउन तो होने, इसे डाउन अब क्या होगा जाहिर है। और दूसरा मेरी एक ना और भी सजेशन थी, मेरे उस दिन एवं माइंड में बात आ रही थी कि आप नहीं समझते कि DHA को बैलेट करते वक्त मतलब खास ख्याल रखना चाहिए कि SBF से ज्यादा OLF जो हैं ये बैलेट हों, ताकि मुकामी लोगों के प्लॉट निकलें, वो लोग घर बनाएं। देखिए ये चीज डिस्कस हो चुकी है। अच्छा। और ये DHA के नोटिस में, ठीक है, क्योंकि ये तो हर बंदे को समझ आता है ना कि अगर आप बाहर वाले को प्लॉट देंगे, ठीक है, तो हालात पहले बेहतर नहीं है, चीजें बैकफायर कर सकती हैं, ठीक है, आपको प्लॉट लोकल को देना पड़ेगा, आपका जो पिछला बैकलॉग है आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा, आप वो क्लियर नहीं करेंगे तो बड़ा ज्यादा काम खराब हो सकता है, ठीक है, इसलिए अब जो है वो, और मुझे ये लगता है, ठीक है ना, कि ऐसा ही होगा जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब इस टाइम लोकल, क्योंकि लोकल आएगा तो वो घर बनाएगा ना, बाहर वाले बंदे को अगर आप प्लॉट देंगे वो तो सेल करके निकल जाएगा, ठीक है, वो अगर वो प्लॉट सारा दोबारा मार्केट में आ गया, पहले ही आपके पास जो प्लॉट है वो बड़ा ज्यादा है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है, अगर वो प्लॉट अगर मतलब कि दोबारा मार्केट में आ जाता है तो वो तो बैलेट का फायदा नहीं कोई रहेगा, तो इसलिए वो DHA कंसीडर कर रहा है इस चीज को। और मेरा ख्याल है कि मुझे उम्मीद है पूरी कि DHA के ये नोटिस में भी है, मुझे पता है इस बात का, और DHA इसके ऊपर अच्छा जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। बिल्कुल ऐसे ही अदिल भाई, थैंक यू बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कोई भी किसी दिन आपको फिर दोबारा इनवाइट करेंगे। जरूर, थैंक यू। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, जी जी, ठीक है, वो फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। ये जनाब आपने आज का हमारा पॉडकास्ट देखा, डिटेल के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ चीज़ें, पॉजिटिव की तरफ भी नेगेटिव की तरफ भी, दोनों हमने एक बड़ा बैलेंस करके इस चीज़ को डिस्कस किया। और नेक्स्ट आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो DHA गुजरांवाला के रिलेटेड, तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या नंबर पे आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पेज को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, खुदा हाफिज़।